अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम C++ के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम C++ में एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये C++ के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रही है, अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाइए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, क्योंकि हम इसके अंदर C++ को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके अभी ये प्लेलिस्ट है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप C++ को सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है। ये जानने के बाद हम चलेंगे अपनी डेव C++ में, वहाँ पर इसे इंप्लीमेंट करेंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम डेट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अ C++ एक्सेप्शन इज अ रिस्पॉन्स टू एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस डेट अराइज व्हाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग, सच एज एन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। अब हम यहाँ पर समझते हैं इस डेफिनेशन को। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अराइज होती है जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर आप इसे सिंपल वर्डिंग में कहें तो ये हमारे पास रन टाइम एरर होता है। ये जब उस टाइम पर अराइज होती है जब हमारे पास हमारा प्रोग्राम रन होता है, क्योंकि हमने अपनी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम या ऐसे एरर देखे जब हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं उसी टाइम के ऊपर हमारा जो एरर होता है वो अराइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन के केस में क्या होता है, एक्सेप्शन के केस में हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम अक्कर होती है जो कि हमारे कंपाइल टाइम के ऊपर डिटेक्ट नहीं होती। जैसे ही हम अपने कोड को रन करते हैं तो हमारा जो भी प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है। अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आता है। यह हमारे पास C++ की बहुत ही मशहूर एक्सेप्शन है। आज की वीडियो में हम इसी एक्सेप्शन को हैंडल करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली डिवाइडेड बाय जीरो के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे हम अपने कोड के अंदर, ठीक है, अगर उसे हम कंपाइल करेंगे तो वो ऐसा एरर है हमारे पास कंपाइल टाइम के ऊपर नहीं आएगा। जैसे ही हम अपने कोड को रन करेंगे तो हमारा कोड उस टाइम के ऊपर क्रैश हो जाएगा या हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर कुछ स्टेटमेंट है, हम सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपनी डेव C++ में। सबसे पहली स्टेटमेंट है ट्राई। अ ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर विच पर्टिकुलर एक्सेप्शन विल बी एक्टिवेटेड। ट्राई ब्लॉक बेसिकली एक ऐसा ब्लॉक होता है जहाँ पर हमारी जो एक्सेप्शन होगी वो एक्टिवेट होगी। अगर हम इसे सिंपल वर्डिंग में समझे तो बेसिकली जो हमारे पास ट्राई ब्लॉक है उसके अंदर हम ऐसा कोड रखते हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ, इसके अंदर हमारे पास एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो भी एक्सेप्शन आने के चांसेस जिस भी लाइन ऑफ कोड में होंगे हम उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक होती है थ्रो। अ प्रोग्राम थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम शोज अप। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास एक्सेप्शन अराइज होती है या एक्सेप्शन अकर होती है उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे पास यहाँ पर थ्रू की स्टेटमेंट वर्क करती है। ये बेसिकली क्या करती है, हमारे पास जो भी एक्सेप्शन होती है उसे अराइज करती है या शो अप करती है। इसी तरीके से हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है कैच। द कैच स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर कैच ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी एरर अकर होता है, हमारे पास यहाँ पर जब एक्सेप्शन आएगी या एरर अकर होगा तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो भी थ्रो का ब्लॉक है वो क्या करेगा, वो थ्रो कर देगा। जो हमारे पास थ्रो होगी वो आएगी कैच के पास। कैच के पास आने के बाद हमारे पास यहाँ पर कैच की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। किस तरीके से तमाम मैकेनिज्म वर्क करता है इसके लिए चलते हैं हम अपनी डेव C++ में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी डेव C++ में और हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। तो आइए एक्सेप्शन हैंडलिंग देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दो वेरिएबल लेते हैं। एक वेरिएबल को नेम दे देते हैं, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी है 12। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और इंटीजर वेरिएबल लेते हैं बी और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले सी आउट करते हैं। हम यहाँ पर सी आउट में बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से। तो आइए सबसे पहले से कंपाइल करके रन करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। हमारे पास यहाँ पर सिंपल ए डिवाइडेड हो चुका है बी से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो बी है इसके अंदर स्टोर कर देंगे 0। इस केस में क्या होगा, हम यहाँ पर बेसिकली ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर 12 है हम उसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि जब हम 12 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इन्फिनिटी। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन अकर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर सबसे पहले से कंपाइल करता हूँ।
तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से तो मेरे पास यहाँ पर सीआउट के अंदर कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो आइए इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर कोई कैलकुलेशन होकर आ रही है। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो रही। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन अकर हो रही है। अब हमें यहाँ पर इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है। तो फ्रेंड्स हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन कहाँ रही है, हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है जब हम यहाँ पर ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा था कि जब हमारे पास जिस लाइन के अंदर एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं या एक्सेप्शन आती है हम उसको पैक करते हैं ट्राई की बॉडी के अंदर। तो हम यहाँ पर सिंपल ट्राई के स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो हमने ए को डिवाइड किया है बी से ऐसे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, हमें मालूम है कि हम जब ए को डिवाइड करेंगे बी से तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन आने के चांसेस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक थ्रू की स्टेटमेंट देखी थी। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं इफ़ अगर हमारे पास बी इक्वल इक्वल टू हो जाता है जीरो के तो आपने यहाँ पर इस केस में क्या करना है, आपने यहाँ पर थ्रो कर देना है। तो हम यहाँ पर कह देते हैं थ्रो, हमें मालूम है कि थ्रो यहाँ पर हमें क्या करना है बी को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बी के अंदर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बी के एरर आने के चांसेस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारे पास जो सी आउट की स्टेटमेंट है इसको रख लेते हैं एल्स की बॉडी के अंदर। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एल्स और इसकी बॉडी के अंदर हम यहाँ पर सिंपल सी आउट की स्टेटमेंट रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसे किया है कट और नीचे से कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर ये थ्रो कर रहा है बी को, तो जब हमने थ्रो के स्टेटमेंट के नीचे कैच की स्टेटमेंट देगी तो हम यहाँ पर सिंपल यूज करेंगे कैच, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थ्रो किसको कर रहा है बी को, तो अब हम यहाँ पर कैच करेंगे बी को। तो सब फ्रेंड सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ब्रेकेट कहाँ खत्म हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर बेसिकली ब्रेकेट यहाँ खत्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो कैच की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर कैच करेंगे सिंपल जो हमारे पास बी वेरिएबल है उसे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है इंट बी और इसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं सी आउट एक्सेप्शन हैंडल। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर एंडल की स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं और इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये कि हमने यहाँ पर अपनी इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ये तमाम मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। ये बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ट्राई की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। ट्राई की बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि अगर बी इक्वल इक्वल टू हो जाता है जीरो के तो आपने यहाँ पर थ्रो कर देना है बी को। जब हमने यहाँ पर थ्रो किया है बी को तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर बी आएगा कैच के पास। तो फ्रेंड्स हमने अभी बात की थी कि जब हमारे पास एक्सेप्शन आती है और इसके बाद थ्रो किया जाता है तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये तमाम स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाती हैं। तमाम स्टेटमेंट स्किप होने के बाद सिर्फ और सिर्फ कैच की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर सिंपल कैच की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। अगर हम इसी तरीके से बी के अंदर स्टोर कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 3, तो आइए अब हम यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आंसर में डिस्प्ले हो रहा है 4। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सी आउट की स्टेटमेंट ही यूज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं सी आउट में बिफोर एक्सेप्शन। ठीक है, और इसके बाद अब हम यहाँ पर एंड एल की स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले तो टाइप किया है बिफोर एक्सेप्शन और इसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं सी आउट, हम यहाँ पर सी आउट में कह देते हैं नो एक्सेप्शन और इसके बाद अब हम यहाँ पर एंड एल की स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो जैसे ही कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है बिफोर एक्सेप्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद हमें मालूम है कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमें जब हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी तो हमारे पास ये डायरेक्ट जाएगी एल्स की बॉडी के पास। एल्स की बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाया नो एक्सेप्शन। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है नो एक्सेप्शन। नो एक्सेप्शन के बाद हमारे पास यहाँ पर ये सी आउट करके दे रहा है कैलकुलेशन को। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर बी है उसके अंदर स्टोर कर देते हैं जीरो। अब इसे कंपाइल करके रन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा बेसिकली आपको यहाँ पर बार बार समझाने का मकसद ये है कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये तमाम मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। ठीक है,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैसेज एक्सप्लोरर बिफोर एक्सेप्शन, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर चेक किया कि क्या बी इक्वल इक्वल टू है जीरो के, जी हाँ हमारे पास यहाँ पर बी इक्वल टू है जीरो के। तो उसके बाद हमने यहाँ पर बी को थ्रो कर दिया, तो जब हमने यहाँ पर बी को थ्रो किया तो हमारे पास यहाँ पर केज के पास आएगा। केज के पास आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्स की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट थी वो तमाम स्किप हो गई हैं और हमारे पास यहाँ पर ये डायरेक्ट केज की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हमें मालूम है कि केज की बॉडी की स्टेटमेंट है एक्सेप्शन हैंडल्ड, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लोरर एक्सेप्शन हैंडल्ड। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। Thank you for watching this video, friends. Bye bye.